तो मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में दो तरह के रिश्ते वाले आते हैं, एक कंजर्वेटिव फैमिली से और दूसरे लिबरल फैमिली से, पर दोनों को ही बहू की सूरत में नौकरानी चाहिए होती है। पढ़ी लिखी है तो बाहर का काम करे, अनपढ़े तो घर का काम करे। और शादी के बाद ना कोई भी फैसला मियां बीवी के अकेले का नहीं रह जाता। वहां पर होती है एक बूढ़ी अम्मा जो लगे हाथ शादी के पहले दिन करती है अपने बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल की, बेटा मरने से पहले मैं तेरी औलाद देख लूं। और अल्लाह की दिन से अगर उस घर में आती है बेटी जैसी रहमत तो इसी अम्मा की डिमांड बढ़ जाती है। और फिर वो ये कहती है कि बेटा पोता देखने की ख्वाहिश थी पोती, और बेटा यहाँ पोते की ख्वाहिश में पोतियों की लाइन लगा देता है। और मजे की बात तो ये है कि वो अम्मा जो शादी वाले दिन मरने वाली थी वो 10 पोतियों के बाद भी नहीं मरती, और वो बेटी जब ब्याह कर घर आती है वो 30 साल बाद अपने ही बच्चों से कह रही होती है बेटा जिंदगी गुजर गई सच्चा प्यार नहीं मिला। और यहाँ बच्चे हैरान परेशान हो जाते कि माँ के 11 बच्चे हो गए इन्हें अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला। तो मैं शादी अपने लिए करना चाहती हूँ, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। #शादी करो कारोबार नहीं।